इसकी क्वालिटी भी काफी पुअर है। वर्ल्ड्स मोस्ट ड्यूरेबल स्मार्टफोन, ऐसा ऑनर कंपनी ने और एचटेक ने क्लेम किया था। वेल गाइस, एग्जैक्टली हमने इस फोन की काफी डीप लेवल में ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म कर रखा है। इस फोन के साथ हुआ ये था कि हमने जितनी बार भी इसको ड्रॉप टेस्ट किया, एक्सट्रीम में हैवी प्रेशर टेस्ट लगाया, सारे टेस्ट पास करने के बाद भी फोन प्रॉपरली वर्किंग है। वेल जस्ट ऐसा ही नहीं है, बिकॉज ऑनर यहाँ पे काफ़ी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है। सो ड्रॉप टेस्ट के टर्म्स में तो फोन ठीक ना, बट एक्चुअल क्वालिटी कैसी? बिकॉज रिमेंबर, आपको ऑनर का एक फ़ोन तो याद होगा ही होगा, और वो था ऑनर 90। ये फर्स्ट फ़ोन था ऑनर का जो आफ्टर द लास्ट ऑनर 9X प्रो के इंडिया में आया था। सुपर सॉलिड फ़ोन था ऑनर का ओरिजिनल लास्ट फ़ोन, और ये फ़ोन काफ़ी बैडली फेल हो गया था इन दी बेंड टेस्ट। सो अब ये फाइंड आउट करना है कि ऑनर X9B के साथ कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता है। एक फ़ोन तो हमारा कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है, इसके साथ हम ज़्यादा कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे रहा फ्रेश फ़ोन, परफेक्टली वर्किंग, जस्ट डिफरेंट कलर में है। यहाँ पे वीगन लेदर था और यहाँ पे होपफुली ग्लास या प्लास्टिक कुशन चाहिए। ऑलराइट गाइस, ये रहा फ़ोन। एज यूजुअल हम इसको इस वाटर कंटेनर डिप करते हैं। इन 3, 2, 1। हमारा फर्स्ट शॉट मिस हो गया था, हमने ट्राई तो की थी एकदम स्ट्रेट शॉट लाने की, बट एक्चुअली हो नहीं पाया। अब इसको दोबारा फिर से ड्रॉप करते हैं। इन 3, 2। यहाँ पे हमने इस बार अप्रॉक्सीमेटली 60 लीटर्स ऑफ वाटर लिया है। ऑनर का अगर हम डिटेल चेक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी कुछ कहा गया है कि डिस्प्ले में बहुत ही ढेर सारे सीलेंस लगाए गए हैं जो इस फ़ोन को सॉर्ट ऑफ IPX3 या IPX5 सर्टिफाइड मान सकते हैं, यानी कि बेसिक स्प्लैशेस के लिए फ़ोन परफेक्टली ओके होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा उसको घुमा टला देते हैं अंदर। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिनेरियोस में फ़ोन परफेक्टली वर्क करना चाहिए। और ये रहा सेंटर में ऑनर X9B। लेट्स वेट फॉर द 5 मिनट्स। फाइव मिनट्स कंप्लीटेड। फ़ोन को बाहर निकालते हैं। वैसे बहुत सारे बबल्स यहाँ पे आप देख रहे हो, दिखाई पड़ रहे थे। एंड वाओ, इस बार तो फ़ोन को हाथ ही नहीं ना डालना पड़ा। एनीवेज, फ़िलहाल तो फ़ोन प्रॉपरली वर्किंग है। लेट्स सी फ़ोन के इनसाइड में लिक्विड गया कि नहीं गया। इनकेस गया भी होगा तो इशू कुछ दिन बाद नज़र आ सकती है। रिमेंबर जो लास्ट Realme 12 Pro Plus था, वो भी सॉर्ट ऑफ ऐसे डिज़ाइन का था, बट वहाँ पर काफ़ी लिक्विड अंदर चला गया था। एट द फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट कि सिंपल के इनसाइड एट द बेसिक में लिक्विड गया है कि नहीं गया है। यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। स्टिल लेट्स शेक इट। काफ़ी ज़्यादा लिक्विड के ड्रॉपलेट्स आप देख सकते हैं फ़ोन के इनसाइड से निकल रहे हैं। दैट मीन्स क्लियरली फ़ोन जस्ट सॉर्ट ऑफ स्प्लैश प्रूफ ही है। इसको आप डीप लेवल तक ट्रस्ट मत करिएगा। ऑनर X9B में आपको प्लास्टिक का बैक पैनल मिलना है, नॉट दी ग्लास बैक पैनल। अदर डिज़ाइन वेरिएंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीगन लेदर मिल जाएगा, और वीगन लेदर के प्रोज एंड कॉन्स में आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ। कुछ डेमो है इन सभी फ़ोन्स पे जो हमने ट्राई किया है, एंड कुछ फ़ोन्स पे जो हम ट्राई करने वाले हैं। सो इशूज़ बहुत ही सिंपल होती हैं। अगर वीगन लेदर पे ज़रा सा भी माइनर मेजर कट लग जाता है तो वो ऑलवेज वहीं पे रहता है। ऑनर की ब्रांडिंग इस प्लास्टिक के इनसाइड से फिक्स की गई है, जस्ट लाइक दी ऑनर 90। यहाँ पे भी प्लास्टिक का फ्रेम है। ऑन द टॉप कोई यहाँ पे एडिशनल फोटोग्राफिक ब्रांडिंग नहीं दी है, क्योंकि वीवो और ओप्पो के फ़ोन में यूज़ होता है। जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा नॉइस कैंसिलेशन माइक है। इन द बॉटम ऑफकोर्स सिम कार्ड स्लॉट टाइप सी एंड दी
सिंगल बॉटम स्पीकर, सिम ट्रे ऑफ कोर्स काफ़ी प्लास्टिकी फीलिंग वाला ही होगा, एंड इनसाइड यहाँ पे स्टेनलेस स्टील है। कुछ हम यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं। ओह, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी पुअर है, जस्ट वन एक्सीडेंटल बेंड से ये टूट गया है। सो बी केयरफुल विद द सिम ट्रे, अगर आपने गलत तरीके से लगा दिया तो शायद ये आसानी से टूट सकता है। हाउ अबाउट दी बटन्स? सरप्राइजिंगली इस फ़ोन का पावर बटन बहुत ही ज़्यादा टाइनी है, एंड ये इजली बाहर भी आ जा रहा है। होप सो ये फिक्स भी हो जाएगा। यप, स्टार्टेड वर्किंग, प्लास्टिक मेड। बिग कॉइन डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया, जो ऑलमोस्ट आजकल सभी फोन्स में आ रहा है। काफ़ी सिमिलरिटी दिखाई पड़ रही है दो बिग ब्रांड्स के कॉइन्स में। क्या आपने कभी प्लास्टिक का कॉइन देखा है? एटलीस्ट ऑन द रियल मी साइड यहाँ पे जो कॉइन यूज़ किया गया था वो कंप्लीट मेटल का था। तो यार थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म यूजेज ऑफ कोर्स सारे चीज़ें विद टाइम फेड हो जाती हैं, बिकॉज पेंट होता है जो कि एक्सटीरियर होता है, वो आसानी से हट सकता है। हाउ अबाउट दिस इनर कॉइन? ये भी प्लास्टिक मेड है। ग्लास क्वालिटी, लेट्स ट्राई आउट गाइस, यहाँ पे स्क्रैच का पैटर्न क्या मिलता है। फॉर द ग्लास प्रोटेक्शन एग्जैक्टली यहाँ पे प्रोप्राइटरी ग्लास यूज हुआ है ऑनर का, नॉट द कॉर्निंग, नॉट द असाही, नॉट द शॉर्ट सेंसेशन, नॉट द सेरामिक या वट एवर एप्पल का प्रोटेक्शन हो। हुआवे एंड ऑनर खुद का कुछ यहाँ पे ग्लास यूज करते हैं, एंटी ड्रॉप प्रूफ प्रोटेक्शन ग्लास जो भी है। स्क्रैच का पैटर्न काफ़ी अच्छा है, लेवल 5 तो कोई स्क्रैच नहीं है, 6 पे माइनर है, 7 पे डीपर, तो इसलिए आ रहे हैं जस्ट लाइक अदर कंपनी के स्टैंडर्ड ग्लास हैं। ऑन दी बैक साइड मैं आपको बताना भूल गया था, सेंटर में यहाँ पे मैट्रिक्स AI विजन कैमरा है। ये मॉड्यूल प्लास्टिक का है। इनिशियली आई थॉट कि ये प्लास्टिक है, यानी कि इस पोर्शन पे इवन शार्प प्लास्टिक ऑब्जेक्ट से भी स्क्रैच पड़ सकता है। अब चूंकि केस इतना बड़ा है तो ये पोर्शन आपका ऑलवेज खुला रहेगा। सो रेस्ट अश्योर यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कागज पत्तर चिपका लीजिएगा। आई एम नॉट श्योर यहाँ पे कोई स्किन आती कि नहीं आती है। रिंग पोर्शन में जो ग्लास है वहाँ पे ऑफकोर्स लेवल 5 पे कोई स्क्रैच नहीं है, 6 and 7 पे एज यूजुअल माइनर एंड डीपर स्क्रैचेस पड़ते चले जा रहे हैं। तो यह ग्लास की क्वालिटी स्क्रैच के टर्म्स में अच्छी है, जैसी होनी चाहिए वैसे यहाँ पे दिया गया है। लेट्स फाइंड आउट ये AMOLED डिस्प्ले कैसे रिएक्ट करता है व्हेन इट कम्स टू द हीट और एक्सट्रीम बर्न। अब चूंकि डिस्प्ले इतना स्ट्रांग बनाया गया है, आई होप यहाँ पे हमें बेटर रिजल्ट्स मिलना चाहिए, एटलीस्ट जैसे कि आईफोन्स में अराउंड 18 सेकेंड्स का यहाँ पे बर्न रिकॉर्ड है, जो कि इवन सैमसंग के फ्लैगशिप फोन में भी नहीं है। सुपर स्ट्रेंज, लेट्स सी क्या होता है। Not so impressive, around 8 सेकेंड लगे यहाँ पे पिक्सल्स को बर्न होने में। पार्शल पिक्सल्स रिकवर हो गए हैं, बट अगेन यहाँ पे परमानेंट सा बर्न मार्क है, जस्ट लाइक हमारे S24 अल्ट्रा में भी है। सो या नॉट दी सुपर इम्प्रेसिव वेन इट कम्स टू द एक्सट्रीम हीट, बट ये चीज़ें रेयर हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डीप लेवल की गेमिंग करते हैं या बहुत हीटेड इन्वायरमेंट रहते हैं तो शायद यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं, अदरवाइज यू कैन जस्ट इग्नोर इट। टाइम फॉर दी बेंटेस, आई होप सो ये फ़ोन थोड़ा सॉलिड तो होगा कंपेयर टू द ऑनर 90 के। वैसे डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर लग रहा है, एक्सेप्ट जैसे ये पावर बटन थोड़ा छोटा हो गया है और यहाँ पे गैप थोड़ा सा कम हो गया है। फर्स्ट हम डिस्प्ले साइड से बर्न करते हैं इन 3, 2, 1। एटलीस्ट ऑनर X90 ऑनर 90 की तरह तो इंस्टेंटली फेल नहीं हो रहा है, बट काफ़ी फ्लेक्स आ चुका है फ़ोन में और आप यहाँ से आप पिंग पोंग खेल सकते हैं जस्ट लाइक हम गुड ओल्ड डेज में खेला करते थे। मे बी सीम्स लाइक इंटरनल चेसिस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग बनाई गई है कंपेयर टू द ऑनर 90 के। शायद कंपनी ने फीडबैक दिया होगा और यहाँ पे कुछ क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स किया होगा। लेट्स ट्राई विद द 8 फिंगर एक्सट्रीम प्रेशर। काफ़ी फ्लेक्स फोन में, स्टिल नो प्रॉब्लम।
Let's try from the backside in 3, 2, 1. Yup. Even after applying so much hard pressure, इस फोन में से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और फोन परफेक्टली बेंड टेस्ट में पास हो रहा है. सो या गाइस, दैट्स इट विद द Honor X9B ड्यूरेबिलिटी टेस्ट. ड्रॉप टेस्ट हमने देख लिया, फोन काफी इंप्रेसिव निकला. ड्यूरेबिलिटी के अगर मुझे रेटिंग देनी हो, आई बिलीव मैं इसको 7 दे सकता हूँ, बिकॉज मटेरियल वाइज इस प्राइस में आपको आसानी से ग्लास मिल सकता है. यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज दिया गया है, स्पेशली कैमरा मॉड्यूल में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक जो रिंग प्लास्टिक दी गई है वो थोड़ा सा चीप फील दे सकता है, बट स्टिल फोन काफ़ी प्रेशर लगाने के बाद भी सॉलिड निकला, बैंड में भी कोई इशूज़ नहीं आई. सो दैट्स इट विद द Honor X9B.